बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 विच इज़ अलजब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्रिक फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 3 का कर रहे हैं जिसमें हमने कहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग, हमने इनको रिड्यूस करना है यानी इनको सिंपलीफाई करना है या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास है 120, एक्स मेरे पास 2 हैं तो मैं लिख देता हूँ 2x हैं, वाई मेरे पास 3 हैं तो मैं 3y लिख देता हूँ, जी मेरे पास 5 हैं तो मैं 5z लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर में देखिए मेरे पास 30 है, एक्स मेरे पास 3 है तो मैं 3x लिख देता हूँ, वाई मेरे पास सिंगल है तो मैं वाई लिख देता हूँ, जी मेरे पास 2 हैं तो मैं 2z लिख दिए। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 3 3 4 12 तो मेरे पास सबसे पहले 4 आ गया। फिर देखिएगा मेरे पास 2x कैंसिल आउट, डिनोमिनेटर में मेरे पास एक x बच गया, मेरे पास एक वाई है, एक वाई कैंसिल आउट तो न्यूमिनेटर में मेरे पास 2y बच गया तो ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2z हैं, 2z कैंसिल आउट, न्यूमिनेटर में 3z बच गए तो आ गया जी क्यूब। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड या रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई इस फैक्टर की, इस फ्रैक्शन की। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसने हमें दिया है 8a इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा 8a इंटू एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर चूँकि 1 ही होता है तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है। जब आप छोटे थे 7th क्लास में थे वह, तब आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये मेरे पास आ सक, अगर ये मैं ए समझूँ और ये मैं बी समझूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 2 2 4 8 तो मेरे पास आ जाएगा 4a बाय एक्स माइनस 1 विच इज़ द रिड्यूस्ड और सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं यहाँ पे, उसने मुझे ये दिया है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इसके ऊपर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, मेरे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4xy मेरे पास एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास है x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास प्लस 2xy है, यहाँ मेरे पास माइनस 4xy है, दोनों ही एक्स वाई हैं, इसका मतलब कि ये ऐड हो सकते हैं। अब प्लस का 2 है माइनस का 4 है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे मेरे पास 2xy बाय ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे मुझे गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो मैं कहता हूँ कि मेरे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास पहला ए के इक्वल दूसरा बी के इक्वल है तो मेरे पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का इक्वल, उसी टाइप का है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाता है, ये और ये सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास बच जाता है x माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज़ रिड्यूस्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि मुझे x, y और z वैल्यूज़ बता दी गई हैं, मुझे ये फॉर्म बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। तो मेरे पास सबसे पहले है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब कि 2 का क्यूब इंटू वाई, वाई की वैल्यू मेरे पास माइनस 1 माइनस 2
z गिवन है, z की वैल्यू मेरे पास माइनस टू है, डिनोमिनेटर में देखें तो x z, x की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू माइनस 2, 2 का क्यूब 2 2 4 एंड 4 2 8 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और डिनोमिनेटर में देखें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6। अगेन यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस माइनस 8 1 8 प्लस 4 बाय माइनस 6, माइनस का 8 है प्लस का 4 है, माइनस का साइन आ जाएगा, 8 माइनस 4 करेंगे तो 4, डिनोमिनेटर में मेरे पास माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आप यूँ भी कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 2 2 3 तो मेरे पास ये बच्चों आ गया 2 बाय 3, जो कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो मेरे पास निकली 2 बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करने जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे अगेन मुझे इसको एवेलुएट करना है, मुझे एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ दे दी गई हैं, सॉरी लेट मी हैव अ लुक एट द बुक, फाइंड दीज आर द राइट वैल्यूज़। ओके सबसे पहले मुझे है एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई की वैल्यू माइनस 2 तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 5, 0 to power 4, 0 to power 4 मीन्स माइनस 1 raised to power 4, डिनोमिनेटर में है एक्स, एक्स की वैल्यू 4, वाई, वाई की वैल्यू माइनस 2, जी, जी की वैल्यू माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 इंटू माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1 raised to power 4 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बाय प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और ये माइनस 1। अब देखिएगा 16 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, 16 8 होता है 128, तो प्लस माइनस माइनस 128 माइनस 5 1 5, बाय डिनोमिनेटर में देखें प्लस माइनस माइनस 8 1 8, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँ मेरे पास आता है माइनस 133 बाय माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा 133 बाय 8।